नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। शरद पवार को हटाकर अजीत पवार अब खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो यहां पर एनसीपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली में लगे वो पोस्टर हटा दिए गए हैं जिनमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो लगे थे। अब नए पोस्टर छपवाए गए हैं, इनमें अजीत प्रफुल्ल पटेल नहीं है। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिनमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन है। लिखा गया है, गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। इस बीच अजीत पवार से गठबंधन के बाद विधायकों में असंतोष की खबरों पर एकनाथ शिंदे ने कहा, पार्टी में सब ठीक है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कुछ दिनों में बदल दिया जाएगा। भाजपा ने भी जवाब दिया और कहा शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उधर अजीत पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने समर्थक 32 विधायकों को ताज होटल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि टूट फूट की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।